अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो की कंटेंट है, इसमें हम बात करेंगे कि आप लोग जो है प्रोफेसर को मास्टर और पीजी रिसर्च पोजीशंस के लिए आप लोग प्रोफेसर को कैसे कांटेक्ट करेंगे, कैसे सर्च आउट करेंगे, और आप लोगों ने कैसे ईमेल को फिर प्रोफेसर को ईमेल को कैसे लिखना है आपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो होप इट विल बी हेल्पफुल। वीडियो को स्टार्ट और एंड तक देखे ताकि आप लोग जो है समझ पा सके कि आप लोगों ने कैसे करना है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो मैं मेन फोकस जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की वीडियोस पे काम करना चाहता हूँ ज़्यादा, क्योंकि अभी जनवरी में स्कॉलरशिप अनाउंस होगी इसलिए। लेकिन ये वीडियो जो है आप लोग आवर स्कॉलरशिप से आवर कंट्रीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आवर कंट्रीज़ के भी ट्राई करता रहूँगा इसी वीडियो में। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ सके। वीडियो के कंटेंट पे जाने से पहले आप लोगों ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग किसी भी स्कॉलरशिप जो है वीडियो से ना रह सके। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने पहले जो है आप लोगों ने प्रोफेसर को कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो उसके लिए जो है पहले जो है एक्सेप्टेंस लेटर की इम्पॉर्टेंस क्या है, कि एक्सेप्टेंस लेटर की यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है कि बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो इसको कंपलसरी करार देती है कि आपने हाँ जो है हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से एक्सेप्टेंस लेटर लेना होगा। ठीक है, अगर यूनिवर्सिटी ने नहीं भी कहा हुआ है, अगर ऑप्शनल भी है, तब भी आप ट्राई करें कि आप एक्सेप्टेंस लेटर ले लें। ठीक है, ये जो है एक अहम किरदार अदा करती है आपके सिलेक्शन में। आपकी जो एप्लीकेशन है वो जो है उसको स्ट्रेंथ आउट कर दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जिस प्रोफेसर से कांटेक्ट में हैं उसने आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे दिया, उसी उसी वो प्रोफेसर जो है वो जो है फैकल्टी इंटरव्यू पैनल में हो सकता है, या जो है सिलेक्शन पैनल में हो सकता है, या जो है एप्लीकेशन एनालिसिस पैनल में हो सकता है। तो किसी न किसी तरीके से जो है वो आपको एज देगी। ठीक है, और यूनिवर्सिटी वाले भी समझेंगे कि ये स्टूडेंट जो है ऑलरेडी प्रोफेसर से कांटेक्ट में है, तो ये जो है ये आवर कंपटीशन में आप आवर स्टूडेंट से आगे होंगे। ठीक है, तो ये तो थी सिंपल सी एक्सेप्टेंस लेटर की इम्पॉर्टेंस। उसके बाद आते हैं कि आपने प्रोफेसर को कैसे सर्च आउट कांटेक्ट करना है। ठीक है, सर्च आउट कैसे करना है और फिर उसको उससे कांटेक्ट कैसे करना है, ईमेल कैसे फाइंड करने हैं। ठीक है, तो थ्री मेथड्स है जो मैं आपको बताऊंगा। पहले जो है आप यूनिवर्सिटी के फैकल्टी से आप ढूंढ सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड है उसके फैकल्टी में जा सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप रिसर्च ग्रुप से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तीसरा जो तरीका है वो रिसर्च पेपर से आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सर चलिए पहले तरीके को ट्राई करते हैं, कि पहला तरीका जो है वो उसमें जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में आप इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी जो जो डिपार्टमेंट है वो साथ में लिखा करें। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो एग्रीकल्चर लिखा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जो है टोक्यो यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हूँ, तो मैं टोक्यो यूनिवर्सिटी के साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी लिस्ट लिख लूँगा, तो वो डायरेक्टली मुझे टोक्यो यूनिवर्सिटी की जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी लिस्ट है वो डायरेक्टली मुझे मेरे सामने आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, उसके बाद जो है मेरे साथ प्रोफेसर से, उसकी रिसर्च एरिया, उसकी कीवर्ड्स, उसकी टाइटल के प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो भी है, और उसका नेम। ठीक है, मैं उसके वेबसाइट पे भी जा सकता हूँ कि वो क्या काम करते, उसके लैब की वेबसाइट पर भी जा सकता हूँ इधर से, और जो है इधर जो है उसकी एजुकेशन इंफॉर्मेशन भी होगी, और सब जो चीज़ें हैं वो आप इधर से ईमेल भी देख सकते हैं कि वो जो है इधर ईमेल भी गिवन होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप ईमेल भी देख लेंगे प्रोफेसर की, और इधर से जो है रिसर्च एरिया सब कुछ आप देख सकते हैं, तो इधर से रिसर्च पेपर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इधर से जो है इसकी लेब साइट पे भी जा सकते हैं। ठीक है, साथ में और प्रोफेसर भी आप देख सकते हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड है, जो आपके रिसर्च एरिया के मुताबिक जो है मैचिंग करे, तो आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इधर से जो है लेब वेबसाइट मेरे सामने आ गई और उससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप किसी और यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं, तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं किसी और यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हूँ, इधर से मैं जो है देख लूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल चाइनीज़ यूनिवर्सिटी है, शंघाई जियाटोंग यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो इसके जो है फैकल्टी लिस्ट में देखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली लिख लूँगा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट साथ में लिख लूँगा या फैकल्टी, और उसमें जो है डायरेक्टली मैं जा सकता हूँ, ठीक है। इसके फैकल्टी मेंबर्स को मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से सब यूनिवर्सिटीज़ के जो भी यूनिवर्सिटी आपके होंगे, वो आप इधर से एकेडमिक्स में फैकल्टी में जा सकते हैं, ठीक है। एकेडमिक्स स्टाफ फैकल्टी जो भी आपके सामने आ गई, तो उस पर क्लिक करके आप प्रोफेसर के जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीका था यूनिवर्सिटी से, ये देख सकते हैं आप जो भी यूनिवर्सिटी के लिस्ट हैं, इधर से जो है फैकल्टी इन स्कूल्स देख सकते हैं, ठीक है। ऑल फैकल्टी इन स्कूल्स, सब स्कूल्स के फैकल्टीज आप देख सकते हैं उधर से, फिर अपने हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर से ऑल स्कूल्स है तो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आप इंटरेस्टेड है, जिसमें इंटरेस्टेड है वो सिलेक्ट कर लें, तो सब प्रोफेसर आपके साथ आ जाएंगे जो भी आपके रिलेटेड हो, जिस मतलब डिपार्टमेंट से हो। 126 मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक आ गए, ठीक है। तो इधर से मैं देख सकता हूँ कि इस पर क्लिक करके इसकी जो है ईमेल और सब जो है कॉन्टैक्ट डिटेल्स मेरे सामने आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह ये देखिए, उसका ईमेल भी मेरे सामने आ गया, रिसर्च इंटरेस्ट भी आ गई। और इसी तरह अगर इसकी प्रेप पेपर्स इधर नहीं मिल रहे, तो इसके पेपर्स में जो है इधर से जो है इसका नेम कॉपी करके आप, एक तरीका है कि आप गूगल स्कॉलर पे जाके आप इसका नेम ढूंढ आउट कर ढूंढ सकते हैं। इधर से सिंस 2020 नए जो भी पेपर्स होंगे इसके, वो आप देख सकते हैं इधर से। और जो है ये जो है इसी प्रोफेसर की जो है रीसेंट पेपर से जो मैं इधर से देख सकता हूँ कि इधर इसने डाउनलोड की हुई है, ठीक है। तो पब्लिश की हुई है, ठीक है, तो मैं देख सकता हूँ। इसी तरह की कोई और यूनिवर्सिटी में मैं इंटरेस्टेड हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल चांगकिंग यूनिवर्सिटी जो है एक चाइनीज़ यूनिवर्सिटी है, इसमें जो है मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फैकल्टी में जाना चाहता हूँ, तो मैं इधर से सर्च आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैकेनिकल इंजीनियरिंग साथ में लिख लूँगा, और जो है फैकल्टी इंफॉर्मेशन में जाऊँगा, और फैकल्टी इंफॉर्मेशन के बाद जो है सब प्रोफेसर के डिटेल्स मेरे सामने आ जाएगी। ये प्रोफेसर नेम भी है, इसके कॉन्टेक्ट डिटेल्स और सब रिसर्च एरियाज और सब चीज़ें जो मेरे साथ आ गई। अगर रिसर्च पेपर की लिंक इधर नहीं है, तो आप गूगल स्कॉलर से उसे देख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको तरीका दिखा दिया, ठीक है। तो इधर से आप देख सकते हैं कि जो है तरीका मैंने दिखा दिया, साथ में रिकमेंडेड आर्टिकल्स भी होंगे जो आप देख सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो तरीका है कि आप रिसर्च ग्रुप्स के ज़रिए, थ्रू रिसर्च ग्रुप्स आप अपने प्रोफेसर को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं विंड एनर्जी में इंटरेस्टेड हूँ, विंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप्स साथ में लिख लेंगे कि विंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप्स, मैं जापान में इंटरेस्टेड हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो विंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप्स इन जापान में सेलेक्ट करूँगा। और इसी तरह विंड एनर्जी के जितने रिसर्च ग्रुप्स होंगे वो मेरे सामने आ जाएगी। ये एक लेबॉरेटरी है, विंड एनर्जी पे काम कर रही है, ठीक है, विंड टर्बाइंस पे। और इसके जो है फैकल्टी मेम्बर्स और जो इसके मेम्बर सब जो है मैं देख सकता हूँ इधर से, ठीक है। तो इसमें जो है आप देख सकते हैं कि इसके मेम्बर्स कौन हैं, इसमें प्रोफेसर कितने काम कर रहे हैं, सिचुएट प्रोफेसर वो सब देख सकते हैं, ठीक है। प्रोफेसर कितने काम कर रहे हैं वो इधर से आप देख सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये प्रोफेसर हैं, इसके वेब पेज पे मैं जा सकता हूँ, इसके जो है लैब वेबसाइट पे मैं जा सकता हूँ। इधर से जो है आप इसके रिसर्च भी देख सकते हैं, पेपर्स भी देख सकते हैं, और सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। इसका ईमेल भी इधर से ही मिलेगा इंट्रोडक्शन से, ठीक है। तो ये थी फॉर एग्ज़ाम्पल विंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप जो है ऑस्ट्रेलिया में मैं जो है इंटरेस्टेड हूँ, तो इधर से ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी आप देख सकते हैं कि विंड एनर्जी रिसर्च ग्रुप्स इन ऑस्ट्रेलिया। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के जितने विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं, जितने प्रोफेसर वो मैं देख सकता हूँ इधर से विंड एनर्जी पे काम कर रहे हैं, और इसमें जो है प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर इधर से मैं देख सकता हूँ कि ईमेल्स और सब चीज़ें गिवन है, ठीक है। इसके जो है आप
जो है नेम इधर से कॉपी करके गूगल स्कॉलर पे भी देख सकते हैं कि इसके पेपर्स क्या हैं। ठीक है, थर्ड जो तरीका है वो आप जो है आप लोगों के साथ क्या है कि रिसर्च पेपर्स के थ्रू। ठीक है, जिस तरह मैंने गूगल स्कॉलर पे एक रिसर्च पेपर ओपन कर दिया एक प्रोफेसर की, वो प्रोफेसर ये वाला था, उसके साथ तो जो है जितने प्रोफेसर काम कर रहे होंगे इस रिसर्च पेपर में शामिल हैं उसका मैं देख सकता हूँ इधर से कि वो किस यूनिवर्सिटी में है, किस स्कूल में काम कर रहे हैं, उसका कॉन्टेक्ट डिटेल इधर से मैं देख सकता हूँ कि ये भी इसी जो है रिसर्च एरिया में काम कर रहे हैं और इससे भी मैं कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल इधर जो है रिकमेंडेड आर्टिकल से जो आप देख सकते हैं इधर से, इसकी भी जो प्रोफेसर होंगे वो आप देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कवर जो है रिसर्च पेपर को ओपन करता हूँ, ठीक है, जो आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि इधर एक और रिसर्च पेपर है जो मैं देखना चाहता हूँ, ये ओपन हो गया, और इधर से जो है आप रिसर्च ग्रुप्स रिसर्च जो प्रोफेसर है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, कि इसके साथ जिन प्रोफेसर ने काम किया होगा वो आपके रिसर्च एरिया से ही मिलते जुलते होंगे, तो आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये आसान से तरीके थे कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप अपने प्रोफेसर भी सही तरीके से ढूंढ आउट कर सकते हैं। ठीक है, अभी जो है मेन बात आती है कि आपने ईमेल कैसे जो है लिखना है। ठीक है, तो ईमेल लिखने से पहले आपने जो है कुछ चीज़ें आपने जहन में रखनी होगी ईमेल सेंड करने से पहले कि हाई वाले पॉसिबिलिटी से अगर आप ये जो है पॉइंट्स जहन में रख ले तो हाई पॉसिबिलिटी से कि आप प्रोफेसर प्रोफेसर आपको रिप्लाई दे विद इन नो टाइम। ठीक है, प्रोफेसर बिजी भी हो सकते हैं लेकिन जल्द आपको रिप्लाई मिलेगा इंशाल्लाह अगर आप ये जो पॉइंट्स हैं ये जहन में रख ले। ठीक है, तो ईमेल लिखने से पहले आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को जो है रिपीट नहीं करना है अपने ईमेल को। ईमेल जब भी लिखना है तो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को अवॉइड करें। आप ऐसा कर ले कि गूगल से आप ग्रामरली एक सॉफ्टवेयर है उसको आप उसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं जो जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आपकी ईमेल से निकालेगी, जो भी आप राइटिंग कर रहे होंगे उस ग्रामरली आपकी चेकआउट करेंगे। ठीक है, और जो है लोकल टाइम देख लिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाइनीज़ प्रोफेसर से कंटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैं लेट नाइट या सुबह सवेरे अजानों के वक्त या सुबह जो है नमाज के वक्त में उसको ईमेल करूँगा ताकि वो ऑफिस में आए तो पहला जो ईमेल होगा वो मेरा उसके इनबॉक्स में होगा। ठीक है, अगर आप दिन में करें तो आपकी ईमेल चांसेस है कि आपकी ईमेल जो है नीचे जाए, लिस्ट में नीचे हो और प्रोफेसर जो है ओपन ना कर सके। इसी तरह मल्टीपल ईमेल आपने नहीं सेंड करने। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है आपने मल्टीपल ईमेल नहीं सेंड करने। ठीक है, आपने एक फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एक प्रोफेसर से मैंने कॉन्टेक्ट कर लिया, उसी डिपार्टमेंट में मैंने दूसरे तीसरे और चौथे प्रोफेसर से भी कॉन्टेक्ट कर लिया। ठीक है, तो हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि वो तीनों प्रोफेसर वो एक रिसर्च जो है वो कोलैबोरेटिव होते हैं, पर मतलब ये है कि वो एक साथ काम करते हैं, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वो एक दूसरे को एक के साथ वैकेंसी नहीं हो और दूसरे को आपका ईमेल दिखा दे और दूसरा भी कहे कि इसने तो मुझे भी ईमेल किया है, तो ये जो है अनसीरियसनेस मतलब आप सीरियस नहीं है ये दिखाते हैं प्रोफेसर को, तो प्रोफेसर फिर इस पे जो है आपको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगी। ठीक है, कीप इट रिलेवेंट, अपनी ईमेल को रिलेवेंट रखें। ठीक है, रिसर्च एरिया और रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक प्रोफेसर के आप रिलेवेंट रखें। ठीक है, लो CGPA के से ना डरे, आप आपकी अगर लो CGPA है तो आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को आप लिख सकते हैं साथ में, रिसर्च पब्लिकेशन को आप मेंशन कर सकते हैं, और जो है लो रैंकिंग यूनिवर्सिटी को आप टारगेट करें अगर आपकी CGPA लो है। ठीक है, एवॉइड टू मेनी अटैचमेंट, अपनी ईमेल के साथ जस्ट CV या आप CV के साथ कवर लेटर भी अटैच कर सकते हैं लेकिन सिर्फ CV काफ़ी है, इनिशियल जो है इनिशियल जजमेंट के लिए CV काफ़ी है ईमेल के साथ। ठीक है, तो आप सिर्फ ईमेल फर्स्ट ईमेल के साथ आप अपनी CV अटैच करें, और ट्रांसक्रिप्ट वगैरह रिसर्च प्रपोजल अगर है अच्छी अच्छी बात है, लेकिन CV उसके बाद अगर प्रोफेसर ने मांग लिया तो आप बना सकते हैं। ठीक है, प्रोफेसर कैन भी अगर प्रोफेसर बहुत बिजी है और आप 1 वीक तक वेट करें, 1 वीक तक आपकी रिप्लाई नहीं आई
तो आप उसको रिमाइंडर दे सकते हैं। हो सकता है कि प्रोफेसर ने आपकी जो है ईमेल नहीं पढ़ी हो, अगर आप रिमाइंडर कर ले तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि वो आपकी ईमेल पढ़ ले, ठीक है। इसी तरह आप ईमेल ट्रैकर, ये अच्छा मशवरा नहीं होगा कि आप ईमेल ट्रैकर यूज़ करें, फिर भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ऐसा ईमेल ट्रैकर यूज़ करें कि प्रोफेसर को पता ना चले, ठीक है, कि उसने कब आपकी ईमेल ओपन की या कब अभी भी नहीं ओपन की हुई है, ठीक है। रिजेक्शन, अगर आपको रिजेक्शन मिली किसी प्रोफेसर से, तो रिजेक्शन के बहुत से वजूहत हो सकते हैं। प्रोफेसर के साथ वैकेंसी नहीं हो सकती, प्रोफेसर के साथ फंडिंग नहीं हो सकती, तो आप इसको जो है सीरियस अपने दिल पे ना ले, और प्रोफेसर को आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जो है एक ही यूनिवर्सिटी से या एक ही स्कॉलरशिप के लिए आपके साथ दो तीन एक्सेप्टेंस लेटर मिले, तो आप और एक्सेप्टेंस लेटर की कोशिश में ना पड़े, ठीक है। मैंने लड़कों को देखा है कि 10 10 और पाँच पाँच जो है एक्सेप्टेंस लेटर साथ में जो है उसके साथ होते हैं। तो इसी तरह अगर आप सिर्फ तीन यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो आपने 7 और पोजीशन को जो है वो ज़ाया कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको 2 या 3 एक्सेप्टेंस लेटर मिले, तो आप और प्रोफेसर को सॉरी कर ले या थैंक यू कह ले कि मैंने और ऑफर एक्सेप्ट कर ली और मैं आपके साथ नहीं आ सकूंगा, ताकि वो उसी पोजिशन को और स्टूडेंट को दे सके, ठीक है। इसी तरह अभी आते हैं कि आपने ईमेल कैसे लिखना है, ठीक है। तो ईमेल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट वेटल जो है किरदार अदा करता है आपकी एप्लीकेशन में। जो है सब्जेक्ट लाइन जो है आपके साथ, सब्जेक्ट लाइन एक कैची सब्जेक्ट लाइन होना चाहिए, ठीक है। जो है इसके साथ फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट फॉर मास्टर सुपरविजन, रिक्वेस्ट फॉर पीएचडी सुपरविजन, या जो है पर्सपेक्टिव पीएचडी स्टूडेंट, पर्सपेक्टिव मास्टर सुपर स्टूडेंट, ठीक है। इसी तरह आप लिख सकते हैं रिक्वेस्ट फॉर रिसर्च सुपरविजन फॉर 2019 या 2021, ठीक है। आपकी फॉर्मल स्टार्टिंग जो है, सैल्यूटेशन जो है आपके साथ रिस्पेक्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, या डियर डियर प्रोफेसर, या डियर रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, ठीक है, डियर डॉक्टर, इसी तरह आप लिख सकते हैं। ये मिसेज और मिस्टर को अवॉइड करें, क्योंकि बाद दफ़ा पता नहीं चलता कि वो मेल है या फीमेल है, आपको भी पता नहीं चलता, तो आप गलती में ये लिख लेते हैं तो प्रोफेसर इसे अच्छा नहीं समझते, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ की जो है आपकी, फर्स्ट पैराग्राफ जो है इसमें आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लें, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ में आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा लें, अपने रिसर्च के बारे में लिख लें कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट या अपने पब्लिकेशन में क्या किया हुआ है, और वो आपके रिसर्च प्रोफेसर के रिसर्च एरिया के साथ किस तरह मैचिंग कर रही है, ठीक है। सेकंड पैराग्राफ में आप जो है प्रीवियस वर्क या जो है प्रीवियस प्रोजेक्ट्स जो है या एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकते हैं। इसी में आप प्रोफेसर के जो है रिसर्च पेपर्स के बारे में, रिसर्च पेपर को मेंशन कर सकते हैं कि मैंने आपको रिसर्च पेपर्स को पढ़ लिया, वो मेरे रिसर्च एरियाज या रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैचिंग कर रही है, इसलिए मैं आपके अंडर सुपरविजन काम करना चाहता हूँ, ठीक है। ये थर्ड जो पैराग्राफ है, ये कंक्लूडिंग पैराग्राफ इसे कहते हैं, कि आप जो है इसमें अपनी मोटिवेशन शो कर ले, ठीक है, कि आपकी जो मोटिवेशन है कि मैं इस लैब में या आपके अंडर सुपरविजन क्यों काम करना चाहता हूँ, ठीक है, आपके रिसर्च ग्रुप में क्यों काम करना चाहता हूँ, अपनी मोटिवेशन जो है वो उसे शो कर ले। ऐसा ना हो कि प्रोफेसर ऐसा ही समझे कि ये सीरियस नहीं है, ठीक है। एंड ऑफ ईमेल जो है आप ये लिख सकते हैं कि एट द एंड ऑफ ईमेल मैंने सी वी पर दर असेसमेंट के लिए सी वी अटैच की हुई है, और आप एक फॉर्मल ग्रीटिंग दे देंगे जो है आई लुक फॉरवर्ड टू हेयरिंग फ्रॉम यू, ठीक है। इसी तरह रिगार्ड्स और अपना नेम लिख लिया, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है ईमेल का, सब्जेक्ट जो है इसे देख ले कैसे सब्जेक्ट इसने क्या लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट फॉर रिसर्च एंड एमएस सुपरविजन, ठीक है। डियर प्रोफेसर या रिस्पेक्टेड प्रोफेसर लिख सकते हैं आप लोग, और माई नेम इज़ दाइन, आई हैव कम्प्लीटेड द फ्रॉम यूनिवर्सिटी नेम लिख सकते हैं आप, और सी जी पी ए को मैंशन ना करें अगर आपकी सी जी पी ए लो है, ठीक है। अगर आपकी सी जी पी ए आप गोल्ड मेडल ले चुके हैं, तो आप उसे फिर मैंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह ड्यूरिंग माई ग्रेजुएट आई हैव डन द एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, और मैंने आपके रिसर्च पेपर पढ़ लिए और इसी तरह ये मैचिंग कर रहे हैं, और आई विजिटेड लेब द और नेटवर्किंग वेबसाइट द, और इसी तरह आई एम वेरी इंस्टिक, तो आप किसी भी तरीके से एक स्टोरी बना ले, लेकिन ऐसा कर ले कि आप कॉपी पेस्ट ना करें, प्लीज़ खुदा के वास्ते का आप कॉपी पेस्ट ना करें, क्योंकि प्रोफेसर जो है उसको पता चल जाता है। ऐसा ना हो कि किसी और कैंडिडेट ने भी वही ईमेल लिखी हुई है और आपने भी, तो दोनों को रिजेक्ट कर लेंगे वो, ठीक है। इसी तरह
एक एग्जांपल है बैड ईमेल की, कि इधर देख ले आप कि हाय जो और माय नेम इज़ दा एंड आई एम मेजर इन दा और इज देयर स्पेस इन योर ले पार एंड अंडर ग्रेड इफ सो व्हाट इज़ द पे रेट। तो ये एक इसमें कोई मतलब खास जो है अट्रैक्शन नहीं है, ना कोई मतलब प्रोफेशनलिज्म इसमें शो की है, ठीक है। इसी तरह एक और टिप है कि आपकी अगर किसी प्रोफेसर ने आपको रिप्लाई दे दिया कि रिजेक्शन है, रिप्लाई दे दिया कि मेरे साथ मतलब मैं वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो इसी तरह आप जो है उसको रिप्लाई देख सकते हैं कि थैंक यू पार, मतलब उसको थैंक यू कर कह सकते हैं और उसे कह सकते हैं कि जो है मैं जो है और कोई प्रोफेसर आप रिकमेंड करना चाहते हैं मुझे, तो मैं बहुत जो है उसके लिए ग्रेटफुल, मतलब मेरे मेहरबानी होगी कि आप मुझे किसी और प्रोफेसर को रिकमेंड करवा लें। इसी तरह अगर वो प्रोफेसर किसी और प्रोफेसर के साथ लिंक है और उसके साथ अगर वैकेंसी है तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपको एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। तो ये थी सिंपल सी स्टेप्स कि आपने प्रोफेसर को कैसे ढूंढना है, फिर जो है एक्सेप्टेंस लेटर की अहमियत किया है और आपने फिर ईमेल कैसे लिखना है, ठीक है। तो होप इट विल बी हेल्पफुल। ये मैं चाइनीज़ स्कॉलरशिप के लिए मैंने आपको तरीका दिखा दिया ज़्यादातर, लेकिन ये जो तरीका है ये आप सब स्कॉलरशिप्स या सब जो है कंट्रीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो थी मेरी एक्सपीरियंस के मुताबिक थी, ठीक है। इसके साथ कोई मतलब एग्री भी हो सकता है और डिसएग्री भी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक विद योर ईमेल्स एंड एप्लीकेशंस।